subscribe our channel VTV Odia and don't forget to press bell icon. कल हमने ये मांग की थी कि सुप्रीम कोर्ट के सिटिंग जज की अध्यक्षता में इसकी जांच किया जाए। देखिए, ये घटना कोई एक आइसोलेटेड घटना नहीं है, जैसा आदरणीय भूपेश बघेल जी ने बताया। आप इसकी क्रोनोलॉजी समझिए। कुछ दिन पूर्व यूपी बीजेपी के हैंडल में एक कार्टून आता है, उस कार्टून में ये दिखाया जाता है और लिखा जाता है राकेश टिकैत के बारे में कि यूपी आए तो खाल उधेड़ दी जाएगी। वो कार्टून है, आप भी जाके देखिए उस कार्टून को, खाल उधेड़ दी जाएगी, वो कार्टून है यूपी बीजेपी के हैंडल से। फिर सप्ताह भर पहले गृह मंत्री, देश के गृह राज्य मंत्री, सुधर जाओ वरना सुधार देंगे, लोकतंत्र में उनको किसने ये बोलने का अधिकार दिया, संविधान के कौन से अनुच्छेद में उनको ये बात कहने का अधिकार मिला। उसके बाद हरियाणा के संवैधानिक चुने हुए मुख्यमंत्री, जिसने संविधान की शपथ ली, वो अपने कार्यकर्ताओं को कहते हैं आंदोलनकारी किसानों का सर फोड़ो, जेल जाओ और नेता बनो। दिस इज द लीडरशिप, आई कैन से लीडरशिप क्रिएशन फैक्ट्री ऑफ बीजेपी। दिस इज व्हाट दे वांट टू कन्वे कि लीडर बनने के लिए अन्नदाताओं का सर फोड़ो, जेल जाओ और लीडर बनो। क्या बीजेपी इस तरह अपने लीडर बनाती है? और हम मांग करते हैं कि जब तक गृह मंत्री अजय मिश्र अपने पद पर है, कोई भी जांच का कॉन्स्टिट्यूट करना बेमानी है, तो सबसे पहले तो उन्हें बर्खास्त किया जाए। दूसरा, उनके ऊपर, उनके बेटे के ऊपर और बीजेपी के कार्यकर्ताओं के ऊपर हत्या के मुकदमे दर्ज होने चाहिए। और अभी तक वो गिरफ्तार क्यों नहीं हुआ उनका पुत्र? क्योंकि कई ऐसी सोशल मीडिया के क्लिप्स आ रहे हैं जहां पे यूपी पुलिस के लोगों ने स्वीकार किया कि जब ये हुआ तो उस गाड़ी में गृह मंत्री के बेटे उस गाड़ी में बैठे थे। अभी तक वो गिरफ्तारी क्यों नहीं हो पा रही है? आप हमको तो रोक रहे हो अपना पुलिस बल लगा के, हमारे नेताओं को जाने से रोक रहे हो, प्रियंका गांधी जी को जाने से रोक रहे हो, भूपेश बघेल जी को प्लेन के लैंडिंग की अनुमति नहीं दे रहे। और वो जो यूपी पुलिस के जो व्यक्ति ने कहा कि घटना स्थल पे गृह मंत्री का पुत्र था, वो कहाँ है? वो क्यों नहीं गिरफ्तार हुआ अभी तक? और तीसरी मांग, 1 करोड़ रुपए का मुआवजा विथ जुडिशियल इंक्वायरी अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ सिटिंग सुप्रीम कोर्ट जज, जब भी इसमें न्याय मिलेगा। अन्यथा ये लीपापोती का काम जो यूपी सरकार करती है, पहले जिस तरह एक साल पूर्व की घटना याद रखिएगा, आज से एक साल पूर्व हाथरस की घटना हुई, कहाँ गए वो कल्पित, कौन कहाँ गए वो कल्पित? क्या वो अभी जेल में है? किसने उस बच्ची के साथ दुष्कर्म किया, वो लोग कहाँ हैं? उनके ऊपर क्या क्या केस चले, क्या कार्रवाई हुई? एक साल हो गया, एक कार्रवाई बता दे उत्तर प्रदेश सरकार। लीपापोती से सरकार और संविधान और लोकतंत्र नहीं चलेगा। आपने कल किसानों के ऊपर अपने गाड़ी के टायर नहीं चलाए, आपने लोकतंत्र और संविधान को कुचलने का प्रयास किया, भारत की अंतरात्मा को कुचलने का प्रयास किया, जिसको कोई भी भारतीय सहन नहीं करेगा। और हम मांग करते हैं कि तुरंत, और अभी तक इतने घंटे के बावजूद क्यों क्यों भारत सरकार के कोई व्यक्ति का कोई बयान नहीं आता है? अरे, भारत सरकार का एक मंत्री डायरेक्टली इन्वॉल्व है, उसके खिलाफ प्रधानमंत्री हो, भाजपा अध्यक्ष हो, देश के गृह मंत्री हो, कैबिनेट, वो क्यों मौन धारण करके बैठे हैं? ऐसा क्या कंपल्शन है उनके? इन सब बातों का जवाब देश चाहता है। अन्यथा ये लड़ाई, हम जिस तरह अंग्रेजों को कांग्रेस पार्टी ने भगाया था, आज़ादी के बाद ये जो जनरल डायर की सरकार है उसको भी देश की जनता भगा के मानेगी।